आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given when two springs of spring force constant K and 2K are connected in series, then force constant become Ks. If they are connected in parallel, then force constant become Kp. The ratio of Ks upon Kp is. तो हमें क्या कैलकुलेट करना था? रेशियो ऑफ Ks upon Kp. तो हमारे पास दो स्प्रिंग हैं, जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट पहली स्प्रिंग का कितना है K, दूसरी स्प्रिंग का कितना है 2K. अगर दोनों स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो पहले दोनों स्प्रिंग को सीरीज में लगाया जाता है, तो इनका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है कितना है Ks. तो अगर दो स्प्रिंग अभी सीरीज में कनेक्ट होती हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है 1 अपॉन Ks इज इक्वल्स टू कितना होता है, पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट प्लस दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट. तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो Ks की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं, देखो K इनटू 2K डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास K प्लस 2K. तो जब ये सॉल्व करोगे तो वैल्यू यहां पे देखो कितना आ जाएगा, 2K स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3K. तो एक K से K कैंसिल हो जाएगा. इट मींस जब दोनों स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट किए जाएंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट Ks होगा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2K बाई 3. ये आ गया हमारे पास. जब वो स्प्रिंग किस में कनेक्ट थी, सीरीज में, तो उनका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट Ks था. जब दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में लगाओगे, तो जैसे ही स्प्रिंग को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो यहां से देखोगे क्या होता है, जब दो स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उनका जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट Kp इज इक्वल्स टू पहले स्प्रिंग का कांस्टेंट प्लस दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट. तो ऐड करोगे तो पैरेलल में जब होंगी तो उनका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो कितना हो जाएगा 3K. हमें क्या चाहिए था, Ks अपॉन Kp का रेशियो. क्या चाहिए था? Ks अपॉन Kp. तो Ks ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो, Kp यहां पे दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहां पे जो आंसर आएगा हमारे पास, सॉरी यहां पे Ks होगा ऊपर, Ks अपॉन Kp की वैल्यू चाहिए थी. Ks यहां पे हमारे पास कितना है 2K बाई 3 और Kp कितना हमारे पास देखो 3K. तो K से K कैंसिल हो जाएगा. इट मींस Ks अपॉन Kp की जो वैल्यू हो जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगा हमारे पास देखो 2/9. ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. तो रेशियो कितना आएगा 2:9. अगर चेक करो तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.